फ्रेंड, अगर आप बिहार से हैं और आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन किए हैं, आवेदन करने के बहुत दिन बीत जाने के बावजूद फ्रेंड अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है और फ्रेंड आप उसकी स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, तो फ्रेंड आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों का स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। पहला फ्रेंड मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019, मतलब कि जो ग्रेजुएशन पे भरता है फ्रेंड, जिसका अमाउंट 25,000 है, ठीक है, मतलब जिसके तहत 25,000 रुपया मिलता है। और सेकंड है फ्रेंड मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक प्लस टू, मतलब कि फ्रेंड वो आवेदन जो कि इंटर पे फिल हुआ है, इंटरमीडिएट करने के बाद फिल हुआ है, जिसके तहत फ्रेंड 10,000 रुपए मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे इसके स्टेटस को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड इसके स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड अब हमें यहाँ पे सर्च बार में वेबसाइट लिखनी होगी। तो वेबसाइट है फ्रेंड ekalyan.bih.nic.in, ekalyan.bih.nic.in लिखने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली सर्च कर देना है। वैसे फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप चाहे तो फ्रेंड डायरेक्ट वहां से भी जाके ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहां पे ई कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहां पे आप ऊपर में देख पा रहे होंगे फ्रेंड, पहला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक, ठीक है, स्नातक प्रोत्साहन यानी कि जो ग्रेजुएशन पे है फ्रेंड। और सेकंड है यहां पे मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना 2019, मतलब कि फ्रेंड ये जो इंटरमीडिएट पे फॉर्म फिल हुआ था उसका ये लिंक है। तो फ्रेंड अगर आपने ग्रेजुएशन पे फॉर्म फिल किया हो तो फ्रेंड आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, और फ्रेंड अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद अगर फॉर्म को फिल किए हो फ्रेंड, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड अब एक बात आपको यहाँ पे बता देना चाहें फ्रेंड कि दोनों का स्टेटस चेक करने का प्रोसेस एकदम सेम है फ्रेंड। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाला है स्नातक प्रोत्साहन योजना वो चेक करके आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हमें इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन ओनली, आपको इस वाले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू व्यू का ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करते ही फ्रेंड अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दो ऑप्शन आ जाता है सर्च बाई, अगर फ्रेंड आप अपने आधार नंबर के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट कर लें, और फ्रेंड अगर आप अपने अकाउंट नंबर के थ्रू चेक करना चाहते हैं फ्रेंड तो आप यहां पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए फ्रेंड हम यहां पे चूंकि अपने आधार नंबर के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड हम यहां पे आधार नंबर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें यहां पे आधार नंबर फिल करना होगा। तो चलिए फ्रेंड यहां पे हम आधार नंबर फिल कर लेते हैं। आधार नंबर को फिल करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली यहां पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाले सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि जैसे हमने यहां पे आधार नंबर फिल करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो रिजल्ट हमारे सामने है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि ये रहा हमारे आवेदन का स्टेटस। यहां पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम दिया हुआ है, साथ ही फ्रेंड यहां पे स्टूडेंट और फादर नेम दिया हुआ है। यहां पे फ्रेंड आपको कैटेगरी और जेंडर देखने को मिल जाएगा, साथ ही फ्रेंड आपको यहां पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन है फाइनलाइज्ड का, यहां पे फ्रेंड यस लिखा हुआ आ रहा है। यस इसलिए लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड क्योंकि हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड यहां पे है आधार वेरिफिकेशन, जो कि फ्रेंड हमारा आधार वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद है फ्रेंड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट अपडेशन, जो कि हमने कर दिया है, यहां पे यस लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड हमारा यहां पे जो स्टेटस है अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस पे, ठीक है, मतलब कि हमारा अमाउंट अभी जो पैसा हमारे अकाउंट पे नहीं आया है तो फ्रेंड इसी रीज़न से नहीं आया है कि अभी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड यहां पे दो या तीन वेरिफिकेशन और है फ्रेंड, एक है यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन लेवल टू, और उसके बाद है फ्रेंड यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन लेवल थ्री, और उसके बाद फ्रेंड फाइनल आपका है हेड क्वार्टर वेरिफिकेशन, जो कि हेड क्वार्टर से होगा। उसके बाद ही फ्रेंड आपका पेमेंट डन कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आपने देखा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे स्नातक वाला चेक करके बताया, मतलब कि जो ग्रेजुएशन पे था वो हमने चेक करके बताया। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड आप यहाँ पे इंटर का भी चेक कर पाएंगे। उसके लिए फ्रेंड आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, लिंक वन पे क्लिक करके फ्रेंड आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे व्यू
एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू व्यू। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर वही ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको अपने आधार नंबर के थ्रू नहीं अपने अकाउंट नंबर के थ्रू चेक करना है तो फ्रेंड आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, फिल करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपका स्टेटस आपके सामने होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड कि घर बैठे अपने आवेदन के स्टेटस को कैसे चेक करें उस पर बनी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।